छपरा जिले के तहसील एतमादपुर में खड़ा हुआ हूँ इस समय, और आपको बता दूं कि लगातार 3 दिन से हो रही बारिश ने किसानों के लिए आपत का माहौल बना दिया है। लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से किसानों के लिए ये बारिश आपत से कम नहीं है। वैसे कहने को तो चौमासे चल रहे हैं, बारिश होना भी बखूबी है, लेकिन इस कदर बारिश होना भी एक किसानों के लिए आफत से कम नहीं है। आपको बता दें कि जब मानसून नहीं आ रहे थे, तब किसान लगातार इंद्र देवता की पूजा कर रहे थे, आराधना कर रहे थे कि हे इंद्र देव, फसलें होनी हैं, फसलों के लिए बारिश की आवश्यकता है। लेकिन अब अगर देखा जाए तो मानसून ने इस कदर पलटी मारी है कि लगातार मानसून रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार 3 दिन से बारिश थी, आज बुधवार का दिन था, आज भी लगातार बारिश हुई। मैं आपको दिखाने की कोशिश भी करता हूँ कि जिस तरीके से खेतों में आपको पानी नज़र आ रहा है, इस खेत में जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बाजरे की फसल है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा कि पानी इतना है कि बाजरे की फसल लबालब हो गई है। अगर इस तरीके से ही अगर बारिश होती रही, अभी मौसम विभाग का अलर्ट भी है कि लगातार 7-8 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। अगर बारिश इसी तरह से 7-8 दिन और होती रही तो लगातार किसानों के लिए एक और ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। किसान वैसे भी कोरोना महामारी के कारण परेशान है, किसी भी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, किसानों के बेटे बेरोजगार हैं, किसान सब जगह से पछड़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो अब ये बारिश भी किसानों का पीछा नहीं छोड़ रही है। आपको बता दें कि मेरे पीछे आपको जितनी भी पीछे खेत नज़र आ रहे होंगे, सभी खेतों में पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं खेत जलमग्न होते हुए नज़र आ रहे हैं, और अभी भी मौसम विभाग का अलर्ट जारी है, 7-8 दिन तक भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। अगर ये भारी बारिश होती है तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक मुसीबत की चिंता बन सकती है। तो वहीं आइए हम किसानों से बात भी करते हैं और जानते हैं किस तरीके का फसलों में नुकसान हुआ है, और किस तरीके से भारी बारिश होने की वजह से क्या क्या फसल को नुकसान हो गया है। और मैं भी प्रशासन से अपील करता हूं, उच्च अधिकारियों से अपील करता हूं कि इन किसानों की फसलों का जायज़ा लिया जाए, जो भी नुकसान हुआ है फसलों में या फसल की बर्बाद हुई है, उस फसल का उचित मुआवजा इनको दिया जाए। आइए करते हैं किसानों से बात।